बड़ी खबर इस वक्त की आपको प्रयागराज से बता दें, जहां अतीक अहमद के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अतीक अहमद के घर और दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। व्यापारी की पिटाई मामले के बाद गुजरात की जेल में बंद है अतीक। पुलिस अब किसी को भी बाहर और अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको प्रयागराज से दे रहे हैं, जहां अतीक अहमद के घर पर और दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। प्रयागराज में अतीक अहमद के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अतीक अहमद के घर और दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी की गई है। पुलिस ने आसपास के एरिया को भी सीज कर दिया है। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और तमाम जानकारी के लिए संवाददाता विनय रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, अतीक अहमद के घर पर सीबीआई की छापेमारी हुई है, दफ्तर पे भी छापेमारी हुई है, क्या पूरी कार्रवाई रही? देखिए, धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया इलाके में पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद का आवास और वहीं कुछ ही दूर पे बगल में उनका दफ्तर जो है वो बना हुआ है। सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास पुलिस और भारी फोर्स के साथ वहां पे सीबीआई की टीम पहुंचती है। पहले चारों तरफ से पहले एरिया को सीज किया जाता है, उसके बाद उनके ऑफिस में और उनके घरों पर और तमाम जो उनके जानने वाले करीबी लोग हैं, आसपास के पड़ोस के जो लोग हैं उनके घरों पर वहां पर सीबीआई की जो रेड पड़ी है वो वहां पे खंगाला जा रहा है। ऑफिस के अंदर जो दफ्तर के अंदर जो कागजात जो रखे गए हैं उनको सीबीआई की जो टीम है वो रीड आउट कर रही है, वो पढ़ रही है और सारी चीजें समझ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो की सीबीआई की जो टीम आई है वो कुछ कागजात ढूंढने के इरादे से आई है, क्योंकि हर घरों में जिन जिन घरों में उनको शक लग रहा था कि इन घरों में अतीक अहमद के कुछ जरूरी कागजात हो सकते हैं, कुछ विशेष जो उनके इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स है वो हो सकते हैं, उनको भी लगातार खंगाला जा रहा है। और जो घरों के अंदर मौजूद है वो वही के वही बने हुए हैं। जो लोग बाहर की तरफ हैं उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। भारी पुलिस फोर्स के साथ पीएसी और आरएफ की टीम यहाँ पर लगाई गई है, जिस तरीके से इस कार्रवाई में कोई भी बाधित ना कर सके। और साथ ही साथ यहाँ बता दें कि जैसे ही अतीक अहमद के घर पर सीबीआई की टीम भारी फोर्स के साथ पहुंचती है, उनके घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करती है चारों तरफ से कमरे को लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद वहां पे वीडियोग्राफिंग चालू हो जाती है ताकि किसी की गतिविधियां जो है वो भी उस पर रिकॉर्ड किया जा सके कि कौन व्यक्ति क्या कुछ लेके अंदर से बाहर जा रहा है या फिर वहां पे कौन आदमी किस तरीके की गतिविधियां करने की नियत से है। तो कहा जा सकता है कि ये लंबी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ यहाँ पर अतीक अहमद के आसपास के घरों में या उनके दफ्तरों में निकल कर आता है और उस पर क्या सीबीआई की टीम और अन्य जो प्रशासन की यहाँ टीम आई है वो क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये कुछ देर में खुल के सामने आ जाएगी। नजर बनाए रखिए विनय, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें, प्रयागराज में अतीक अहमद के घर और ऑफिस और साथ ही कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।